नमस्ते दोस्तों, आज हम बंगाल टेप के मुर्गी मांसो मतलब मुर्गी का ग्रेवी, ये ग्रेवी पकाएंगे। ये रोटी के साथ और खाने के साथ खा सकते हैं। ये प्योरली बंगाल टाइप का है, मुर्गी मांसो बोलते हैं इसको। ये पकाने के लिए हमको चाहिए खांदा और टमाटर काटा हुआ टमाटो और हरी पत्ती, अदरक लहसुन जीरा के पेस्ट हम लोग कूट के बना दिए, मिक्सर में नहीं डालने का है, ऐसा कूट के बना दिए। उसके बाद हमको ये चाहिए लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, नमक, गरम मसाला। अभी चलो हम लोग मुर्गी का मांसो पकाना चालू करेंगे। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम उसमें खांदा डालेंगे। खांदा लाल होना है, मुर्गी के मांसो ये बंगाली का स्पेशल डिश है, आप बनाइए खाइए। खादे को लंबे लंबे काटना है, छोटे से नहीं काटेगा। देखो लाइटली ब्राउन हो रहा है, ब्राउन होने के बाद हम लोग इसमें देखो हमारे खादा ब्राउन हो गया है। अभी हम लोग हम लोग ये पेस्ट डालेंगे। ये अदरक लहसुन और जीरा के पेस्ट है, आप इसको मिला लेंगे। हम अच्छी तरह इसको पेस्ट के साथ खांदा को मिला लिए। अभी हम लोग काटा हुआ मुर्गी का टुकड़ा, मुर्गी का लेग पीस मुर्गी के अंदर डाल देंगे, एक एक करके डालेंगे। मिक्स करेंगे खांदा के साथ, खांदा और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हम लोग कूट के डाल दिया है इसमें। ये मुर्गी का मिक्स करेंगे, पानी नहीं डालेंगे अभी। देखो कैसा बन रहा है। ये माया बोल जी एक लड़की बंगाल से आई है, वो बना रही है। इसको 5 मिनट ऐसा ही हम लोग मिक्स करते रहेंगे। देखो हमारा मुर्गी कैसा पक रहा है। मांसो में थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे, अभी नमक डालना जरूरी है ये टाइम पे। अभी अच्छा इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग। नमक अच्छी तरह मुर्गी के मांसो में मिक्स हो गया है। हम लोग ये बोलते हैं मुर्गी का ग्रेवी बोलते हैं, चिकन ग्रेवी, और बंगाल में बोलते मुर्गी का मांसो। ये कुछ डिफरेंट टेस्ट है हमारा मुर्गी का मांसो। अच्छा पक गया है, एकदम बहुत अच्छा पक गया है। अभी हम लोग इसमें टमाटर डालेंगे, कटा हुआ टमाटर हमारे पास है, उसको हम डालेंगे। अभी पानी बिल्कुल नहीं डालने का, वो टमाटर में जो पानी आता है ना वो निकलेगा बाहर।
ये आधा किलो का चिकन है, हम लोग चार खांडा काटे, दो टमाटर काटे बड़े बड़े टमाटर, अच्छी तरह पक रहे हैं। अभी हम लोग हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कर देंगे हम अच्छी तरह मिला लेंगे, जो एकदम खुशबू आ रहा है। स्पेशली बंगाल से हम लोग बुलाए हैं माया को, बंगाल टाइप का रेसिपी बनाने के लिए। अच्छी तरह मिल गया है, बीच में थोड़ा सा पानी पिलाएंगे, एक ग्लास पानी डालेंगे, आधा ग्लास पानी डालेंगे। अभी इसको दो तीन मिनट के लिए भी हम लोग धनिया का पत्ती डालेंगे, डाल के एक पाँच मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे, ढक देंगे पाँच मिनट के लिए। जो माया ने पका दिया है, अभी हम ढक्कन खोलेंगे, देखेंगे। वाह, अच्छी तरह पक गया है। अभी हम लोग स्टोव को ऑफ कर देंगे, स्टोव को हम लोग ऑफ कर दिए। बस दो मिनट ऐसा ही छोड़ेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। फिर तैयार हो गया है, इसमें हम लोग प्लेट में सर्व करेंगे। वाह, माया ने क्या बनाया है, एकदम बढ़िया बनाया है। ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फसुमा के चैनल को सब करिए, इसी तरह बनाइए, खाइए, एंजॉय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।